गाइज वेलकम बैक टू पीएम बाय पश्चिम अकाडेमी एंड दिस इज योर्स प्रतीक्षा मिश्र आज ऑलवेज। तो आज हम मैंने स्टार्ट करुँचे आम मॉक टेस्ट जमी आम डेली सीरीज चलती सीपेट पर प्रत्येक दिन आम कि ना कि चैप्टर रू मैंने यूनिट व्वज एमसीक्यूज डिस्कसन कर 50 प्लस एमसीक्यूज डिस्कसन कर सहित आम थीओरी कनसेप्ट क्लीयर होट ए भाई आम डेली आटलिस्ट 20 क्वेश्चन मॉक हिसाब से दबा एंड ट्राए करवा जमे मार्क रोचे आम जापर तो लेवल अफ प्रिपेरेसन आमको जमापड़ जा। ओके तो स्टार्ट करुँच आज आम फास्ट मॉक तो लास्ट आपत जनइबे आपको आजिकार मॉक सेशन केमती लगे एंड जदि भल लगे प्लीज मतलब लाइक करके पक्का जनइबे जिते अधिक लाइक्स आसव ट्राए करी आपको दिनक दुई थर लेखाएं मॉक सीरीज अपलोड करने एंड टेलीग्राम चैनल भी मुझे मॉक सीरीज अपलोड करदेवि तो जो मैंने जॉइन करना एवं ही आम टेलीग्राम चैनल जॉइन कर जातु पीएम बाय पश्चिम अकाडेमी ऑफिशियल। ओके तो स्टार्ट करवा फास्ट क्वेश्चन फ्लुइड मोज़ेक मॉडल इज सिमिलर टू रॉबर्टसन मॉडल इन लिपिड अरेंजमेंट प्रोटीन अरेंजमेंट नंबर ऑफ प्रोटीन लेयर्स और प्रेजेंस ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन कोटा हम ठीक आंसर टिके भावंतु दुई सेकेंड समय दौर करेक्ट आंसर होची प्रोटीन अरेंजमेंट। सो फ्लुइड मोज़ेक मॉडल इज सिमिलर टू रॉबर्टसन मॉडल इन प्रोटीन अरेंजमेंट ऑप्शन नंबर बी बेसी एक्सप्लेनेशंस मु देबिनी जेहेतु मॉक करचंती तो बेसी एक्सप्लेनेशंस नै आमे जते बळे पूरा सीरीज कंटिन्यू करचंती सही समय मु एक्सप्लेन करी करी प्रत्येक क्वेश्चन को बुझौची तो एठी आमे 10 मिनिट भितर केमती 20टा क्वेश्चन कंप्लीट करबा सही टारगेट नै कि मु आसी क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा जेल पार्ट एंड सोल पार्ट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर एंडोप्लाज्म एक्टोप्लाज्म एक्टोप्लाज्म एंडोप्लाज्म प्लाज्मा लेमा इट डज नॉट शो एनी जेल और सोल कंपोजिशन। सो जेल पार्ट एंड सोल पार्ट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर बोथ एंडोप्लाज्म एंड एक्टोप्लाज्म सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन सेल मेम्ब्रेन इज विजिबल अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप लाइट माइक्रोस्कोप यूवी माइक्रोस्कोप और इंटरफेरेंस माइक्रोस्कोप। सो सेल मेम्ब्रेन कहाँ अंडर देखा जाए ना इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप अंडर क्लीयरली विजिबल हुए ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हु प्रपोज द लामेलार मॉडल ऑफ बायोमेम्ब्रेन ओब्वियसली आम आपको जानते डानियल एंड डैफसन दु जन साइंटिस्ट थे जेकि लामेलार मॉडल ऑफ बायोमेम्ब्रेन को बाहर करते प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बाहर करते ऑप्शन नंबर ए हो करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन द टर्म सेल मेम्ब्रेन वाज कॉइंड बाय जदि ये सेल मेम्ब्रेन पचारे पिला साधारण सेल ना शुणी रॉबर्ट हॉक रॉबर्टसन मारिक पलैस तो ये आमको सेल मेम्ब्रेन नामकरण विषय पचारे तो नागेली एंड क्रामर ही दु जन साइंटिस्ट थे जेक आम सेल मेम्ब्रेन नामकरण करते कॉइंड करते तो सो ऑप्शन नंबर सी हो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट द टर्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाज कॉइंड बाय रॉबर्टसन नागेली एंड क्रामर सिंगर एंड नोकलसन एंड प्लाउ तो प्लाउ होंगे जन साइंटिस्ट जेक आम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कॉइन करते फास्ट टाइम। ठीक अच्छे एवं आपको गोटे टास्क दूसरी सिंगर एंड निकोलसन कौन डिस्कवर करते मतलब कमेंट सेक्शन में लिखिकी जनइबे। नेक्स्ट अ कंटिन्यूअस लेयर इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ बाय जो आम प्लाज्मा मेम्ब्रेन रही कौन तैयारी होकर रही मैंने क्या द्वारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन तैयारी होती है आमको क्वेश्चन यही पचारे क्या द्वारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन तैयारी होती है ग्लाइकोप्रोटीन एक्सट्रिंसिक प्रोटीन इंट्रिंसिक प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड एंड द करेक्ट आंसर इज फॉस्फोलिपिड। आम भल भाव जानते प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ फॉस्फोलिपिड बाई लेयर क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन द मॉलिक्युलर मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाज फास्ट प्रपोज्ड बाय कहा द्वारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन मॉलिक्युलर मॉडलटा प्रथम प्रपोज करा तो से होती ऑप्शन नंबर बी डानियल एंड डैफसन दु जन साइंटिस्ट जहाँ द्वारा मॉलिक्युलर मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रथम प्रपोज कराई। नेक्स्ट क्वेश्चन द इलास्टिसिटी ऑफ बायोमेम्ब्रेन इन एनिमल सेल्स इज ड्यू टू एक्सट्रिंसिक प्रोटीन इंट्रिंसिक प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स। सो द इलास्टिसिटी ऑफ बायोमेम्ब्रेन इन एनिमल सेल्स इज ड्यू टू ऑफ लिपिड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कार्बोहाइड्रेट्स इन द मेम्ब्रेन व्हेन लिंक्ड विथ लिपिड्स द कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड इज कॉल्ड ग्लाइकोलिपिड स्फिंगोलिपिड फॉस्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल। ओब्वियसली कार्बोहाइड्रेटा जब प्रोटीन सहित सॉरी लिपिड सहित मिसिब कार्बोर आम कौन आस ग्लाई आसी सो लिपिड ये आम ग्लाइकोलिपिड होदी फॉस्फेट ग्रुपटा लिपिड सहित अटैच होता है फॉस्फोलिपिड कहते तो ये आम करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए ग्लाइकोलिपिड। नेक्स्ट देखा प्रोटीन आइसबर्ग इन द सी ऑफ लिपिड दिस स्टेटमेंट वाज यूज्ड फॉर प्रोटीन आइसबर्ग इन द सी ऑफ लिपिड कौथिपाई यूज कराई यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल सैंडविच मॉडल फ्लुइड मोज़ेक मॉडल और डानियल मॉडल तो ऑप्शन नंबर सी हिज में हमारा करेक्ट आंसर दैट इज फ्लुइड मोज़ेक मॉडल क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन मूवमेंट ऑफ द सेल बाय अंडुलेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑकर्स इन डब्ल्यूबीसी आरबीसी अमीबा और फाइब्रोब्लास्ट। सो मूवमेंट ऑफ सेल बाय अंडुलेशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑकर्स इन फाइब्रोब्लास्ट दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द फ्लुइड मोज़ेक मॉडल प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ फ्लुइड मोज़ेक मॉडल रू आम कौन जानूं मैंने प्लाज्मा मेम्ब्रेनटा क्या द्वारा तैयारी फॉस्फोलिपिड द्वारा तैयारी ना इंट्रिंसिक प्रोटीन ना एक्सट्रिंसिक प्रोटीन ना ऑल ऑफ द एबव। सो आंसर ऑल ऑफ द एबव क्लियर। नेक्स्ट चैनलिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कैरिड आउट बाय ग्लाइकोलिपिड फॉस्फोलिपिड प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। सो चैनलिंग ऑफ मॉलिक्यूल इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कैरिड आउट बाय प्रोटीन्स ऑल टाइप ऑफ प्रोटीन्स से ऑप्शन नंबर सी हो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखा
फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल स्पेसिफिसिटी ऑफ द बायोमेम्ब्रेन्स इज बिकॉज ऑफ केवल एक्सट्रिंसिक प्रोटीन पाई हुए, केवल पेरिफेरल प्रोटीन पाई हुए बा इंटीग्रल प्रोटीन पाई हुए ना बोथ एक्सट्रिंसिक प्रोटीन एंड पेरिफेरल प्रोटीन पाई हुए। सो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल स्पेसिफिसिटी बोथ पेरिफेरल प्रोटीन एंड एक्सट्रिंसिक प्रोटीन पाई ही है था। सेतबा हमरा ऑप्शन नंबर सी है जीवा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस डज नॉट पास अक्रॉस द मेम्ब्रेन बाय सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन आम जानते प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने सिंपल डिफ्यूजन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन सब प्रकार ट्रांसपोर्टेशन हुए, तो ये हमारा सिंपल डिफ्यूजन द्वारा कौ सब्सटेन्सटा ट्रांसपोर्ट हो पार ना, तो हाइड्रोजेन एमती गोटे आयन जे कि सिंपल डिफ्यूजन द्वारा हुए ना, से करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, फ्लुइड मोजाइक मॉडल इज कंसर्नड विथ स्ट्रक्चर ऑफ। फ्लुइड मोजाइक मॉडल आम आगु पढ़ी प्लाज्मा मेम्ब्रेन रही गोटे मॉडल हो फ्लुइड मोजाइक मॉडल, तो ये आम क्या रिलेट करके फ्लुइड मोजाइक मॉडल ना ऑप्शन नंबर सी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नेक्स्ट, फॉस्फोलिपिड्स आर बेस्ट सुइटेबल फॉर सेल मेम्ब्रेन बिकॉज इमानक पाखरे कौन अच्छी ना बोथ पोलार एंड नॉन पोलार पार्ट अच्छी ना ग्लिसरल पार्ट अच्छी ना प्रोटीन बाइंडिंग साइट अच्छी ना इनको भीतर किछि भी नहीं। सो करेक्ट आंसर होची बोथ पोलार और नॉन पोलार पार्ट रही जो कि फॉस्फोलिपिड मैंने सेल मेम्ब्रेन बेस्ट सुइटेबल होचंती। क्लियर। नेक्स्ट, सेल रिकॉग्निशन एंड आधेसन मैंने सेल रिकॉग्निशन एंड सेल आधेसन आर फैसिलिटेड बाय सर्टन कंपोनेंट्स ऑफ द सेल एंड दीज आर बोथ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स। सो ऑप्शन नंबर ए है जो हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा, द एंजाइम एसोसिएटेड विथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अमाइलेज परमिएज लिपिड और लाइपेज और कैटालेज। कौ एंजाइम एमती अच्छी जोटा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सहित एसोसिएटेड होकर रही है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन काम कौन सेमी परमिएबल नेचर मान ये बाछी बाछी सिलेक्ट कर करी जहाँ दरकार सेल को जहाँ न्यूट्रिएंट दरकार जहाँ आयन दरकार से सबको बाछी बाछी नब से कौ एंजाइम दरकार ना परमिएज एंजाइम दरकार। सो ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट आंसर। पिले मुझे बहुत शीघ्र शीघ्र क्वेश्चन प्राक्ट करौँ कहीं आम जिते शीघ्र शीघ्र क्वेश्चन प्राक्ट करवा से मक्र आबिलिटी बढ़ क्वेश्चन सल्व कर आबिलिटी बढ़ जदि आपघ्र शीघ्र क्वेश्चन प्राक्ट कर ना मो सांगे वीडियो को टिके पॉज करूँ ना वीडियो रा स्पीड को टिके कमे दिंतु जोद्वारा कि आपर स्लो आपण मैंने शीघ्र क्वेश्चन टाक जिते स्पीड में पलाऊँच आप रही 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 कि निजे क्वेश्चन को सल्व करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखीद इन ट्राइलेमिनर स्ट्रक्चर, ट्राइलेमिनर मैंने तीनटा लेयर प्रोटीन्स आर हेल्ड विथ फॉस्फोलिपिड्स बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आयोनिक बॉन्ड हाइड्रोफोबिक अट्रैक्शन और ऑल ऑफ द अबव। तो आम मैंने सेल बायोलॉजी पढ़ी थे सेल बायोलॉजी हो कि प्लस टू में भी जो आम सेल विषय पढ़ी थे से आम पढ़ी थे प्रोटीन मैंने फॉस्फोलिपिड सहित ये तीनटा अंक बॉन्ड फॉर्मेशन करके रोचे मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी रोचे आयोनिक बॉन्ड भी रोचे हाइड्रोफोबिक अट्रैक्शन भी रोचे से आंसर है ऑल ऑफ द अबव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन आर पेरिफेरल इन बायो मेम्ब्रेन्स। यहाँ भितर एमती कौ प्रोटीन अच्छी जोटा कि पेरिफेरल इन नेचर रोचे एटीपेज, एटीपेज बाहर रोचे एसिटिल कोलीन भी बाहर रोचे सो एसिटिल कोलीन स्टोरेज एटा बाहर रोचे एंड स्पेक्ट्रीन ये बाहर रोचे से मैंने ऑल ऑफ द अबव हो करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन देखीद, क्वासी फ्लुइड स्टेट इंपोर्टेंट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एटा, क्वासी फ्लुइड स्टेट ऑफ बायोमेम्ब्रेन एनेबल इट टू अंडरगो ग्रोथ डिविजन डायनामिक चेंजेस और सिलेक्टिवली परमिएबल। कौन लगुच्छे कौन हम आंसर करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी दैट इज डायनामिक चेंजेस। डायनामिक चेंजेस ही क्वासी फ्लुइड स्टेट ही एनेबल होकर थाए। ओके, तो बायो मेम्ब्रेन आम ये क्या कौन ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन को ये बायो मेम्ब्रेन बोलिकी कही था। सो ये आम 20 प्लस क्वेश्चन सल्व करदे विदिन 10 मिनिट्स एंड आई होप कि आपको आज सेसन हेल्पफुल रही है। जदि हेल्पफुल रोचे तो मतलब कमेंट जनातु और जदि लाइक्स अधिक बढ़ कमेंट्स अधिक आपने करेंगे तो मुझे दिनों को दुईटा लेखाएं मॉक सीरीज डेली अपलोड करी एमती 10 मिनिट्र और जमी आम प्रैक्टिस सीरीज चली 50 प्लस क्वेश्चन सेमती 50 प्लस क्वेश्चन रो चैप्टर वाइज यूनिट वाइज प्रैक्टिस सीरीज चलो एंड यस जब आज के सेशन आपको हेल्पफुल लगे प्लीज 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 डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड थैंक यू।